हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्नरदितिमन। तो आज हम करने वाले हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्न, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के प्रश्न आज मैं लेकर आई हूँ, और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि राजस्थान में जो भी अब एग्ज़ाम होते हैं, तो पहले इतना ज़्यादा वेटेज नहीं रहता था राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का, लेकिन अब जो है वो आपको एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन राजस्थान के कला एवं संस्कृति से मिलेंगे, ठीक है, इतिहास से मिलेंगे। तो आगामी जो भी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं राजस्थान का जीके, आर्ट एंड कल्चर का तो वहाँ महत्वपूर्ण रोल है। अभी जब नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगी तो उसमें मैं आपको बताऊँगी कि सेकेंड ग्रेड में 2016 में और 2018 में कितने प्रश्न आर्ट एंड कल्चर से ही पूछे गए हैं, ठीक है। सभी जो है उसका विश्लेषण जो है वो मैं अच्छे तरीके से करने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कि कितने क्वेश्चन जो हैं वो आपके कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं, आर्ट एंड कल्चर से कितने पूछे गए हैं, राजस्थान के इतिहास से कितने पूछे गए हैं, ज्योग्राफी पॉलिटी से कितने पूछे गए हैं, तो सभी बात करने वाली हूँ। तो आज हम करेंगे इसके प्रश्न, जो कि आपको पहले ही बता दिया था, राजस्थान में घुडला त्यौहार कब मनाया जाता है, राजस्थान में घुडला त्यौहार जो है वो कब मनाया जाता है। ऑप्शन देखना है आपको अच्छे से, श्रावण शुक्ल अष्टमी को, श्रावण कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी, या भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। तो अब तो आप लोगों के लिए बहुत जो है वो अच्छा समय, 4 महीने आपके थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए आपको मिल रहे हैं, सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम जो है उसके लिए भी आपको समय सही मिला है, ठीक है। और दोनों के बीच जो है वो गैप इतना रखा गया है कि आप दोनों ही एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो अभी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम आएगा, फोकस जो है वो बच्चे इस पर कर रहे हैं, और उसके कुछ महीने बाद जो है वो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम आ जाएगा, दोनों में ही टाइम आपको मिल रहा है। तो बहुत ही मज़े से और सीरियसली पढ़ाई करें। तो इसका आंसर जो है रहेगा चैत्र कृष्ण अष्टमी। नेक्स्ट देखें, विक्रम संवत के अनुसार त्योहारों के आने का क्रम क्या है, गणेश चतुर्थी, दीपावली, कृष्ण जन्माष्टमी, या गणगौर। तो क्रम आपको बताना है, ये सही नहीं लिखे गए हैं, इनको आपको सही से करना है। तो फटाफट से जो है इसका आंसर दें कि सबसे पहले कौन सा त्योहार आएगा, फिर उसके बाद कौन सा, और उसके बाद कौन सा आएगा, ठीक है। तो त्योहारों से संबंधित जो वीडियो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, चैप्टर भी पढ़ाया था मैंने, क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को करवाए थे। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, आप लोग लगा रहे हैं आंसर, यहाँ पर आंसर सही है कि सबसे पहले चैत्र में गणगौर का त्यौहार आता है, उसके बाद जन्माष्टमी का त्यौहार आता है, फिर गणेश चतुर्थी, और कार्तिक में आती है दीपावली, ठीक है। तो ये जो आंसर है वो आप देख लें कि कौन सा त्यौहार कब आता है। तो सीक्वेंस जो है, एक तो आपको त्योहारों में क्या याद रखना है कि त्योहार जो है वो कब आता है, ठीक है, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, ये जो माह है सीक्वेंस में याद रखें, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो त्योहारों को याद रखें। और ये कब आता है, किस पक्ष में आता है, कृष्ण पक्ष में आता है या शुक्ल पक्ष में आता है, दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है। और तीसरी चीज जो है, जो इनकी तिथि याद रखनी है, तो बस यही पूछा जाता है, ठीक है, त्योहारों में। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है। अब यहाँ क्या पूछा है कि एक तो तीज की सवारी कहाँ निकाली जा रही है, जयपुर में, ठीक है, किस माह निकाली जा रही है, तो महीना पूछ लिया यहाँ पर, बैसाख में, भाद्रपद, चैत्र या श्रावण में। तो बताइए आंसर क्या रहने वाला है इसका। यहाँ पर जयपुर भी ना लिखा होता, केवल यही लिखा होता कि तीज का त्योहार किस माह मनाया जाता है। तो ये चीजें जो है वो बिल्कुल मुंह जवानी आपको याद होनी चाहिए। महीने जो हैं हिंदी कैलेंडर के अनुसार, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा श्रावण। तो श्रावण वहाँ की जो तृतीया है, उस समय जो है वो तीज का त्योहार हम मनाते हैं, और जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाती है इस माह। अगला देखिए, खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है। तो सभी को पता है कब की जाती है, आप फटाफट से आंसर भी बता दें। खेजड़ी वृक्ष की पूजा क्या आपने गणगौर पर देखी है, या आपने की है, ये गणगौर पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा तीज पर की जाती है, होली पर आपने देखा है ऐसा कुछ, या दशहरा पर, ठीक है। कई चीजें आपको याद नहीं रहती हैं, लेकिन
आपने देखी तो होंगी, अपने आसपास देखी होंगी, अपने घरों में भी देखी होंगी कि उस त्योहार में जो है वो क्या-क्या करते हैं। यदि आपने नहीं देखी है तो अब आप गौर करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है वो प्रश्न आने वाले हैं यहाँ से। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा दशहरा। खेजड़ी वृक्ष की पूजा जो है वो दशहरे के पर्व पर की जाती है। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से प्राप्त हुआ है? गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से प्राप्त हुआ है? बयाना से, भरतपुर में है, बैराट कहाँ पर है सभी को पता है, बैराट या विराटनगर जयपुर, ठीक है, आमेर या अलवर, बताइए गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये अलग से प्रश्न है, लेकिन आपको इसका आंसर देना है। ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ तक कि इस पर जो है वो आप स्टार लगा लें, इसको याद कर लें। पूछा जाएगा कि गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से प्राप्त हुआ है, इसका सही आंसर रहेगा बयाना से, और बयाना जो है वो कहाँ पर है, भरतपुर जिले में है, ठीक है। आगे देखें, राजस्थान की बड़ी तीज कब मनाई जाती है? हमने अभी बात की थी छोटी तीज की, छोटी तीज जो है वो कब मनाई जा रही थी, श्रावण माह में मनाई जा रही थी, ठीक है, और तृतीया को मनाई जाती है। तो बड़ी तीज ये भी तृतीया को मनाई जाती है। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, श्रावण की कृष्ण तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया या आषाढ़ कृष्ण तृतीया, तो फटाफट से आंसर दें। अब सावन में तो छोटी तीज मनाई जाती है, तो सावन वाले तो आप बिल्कुल क्रॉस ही कर दें, ठीक है। अब ये दो ही बच रहे हैं ऑप्शन, भाद्रपद कृष्ण तृतीया या आषाढ़ कृष्ण तृतीया। तो आंसर जो रहेगा, बिल्कुल सही आंसर है, सबका ही सही है कि भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। बच्चों को यहाँ पर जो कंफ्यूजन क्या रहता है कि वो ये सोचते हैं कि सावन की शुक्ल तृतीया को जब छोटी तीज मनाई जाती है तो यहाँ पर भी शुक्ल होना चाहिए था, ठीक है, नहीं, यहाँ पर आएगा भाद्रपद कृष्ण तृतीया, जिसे कजली तीज, बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? भंडार, कन्यादान, पानीवाड़ा या बरी कन्यावल। अब ये कन्यादान तो सभी जानते हो, शादी विवाह से ही संबंधित है, तो इसको तो आप वैसे ही क्रॉस कर दो। अब भंडार आपने सुना होगा, ठीक है, शादी विवाह में चलता है, पानीवाड़ा, बरी कन्यावल, बताइए फटाफट से। तो थोड़ा सा आप दिमाग भी लगाएंगे तब भी आप सही आंसर पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि बी ऑप्शन तो मैंने ही क्रॉस कर दिया है, यहाँ पर भी कन्यावल, बरी कन्यावल, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो विवाह से संबंधित तो है, तो इसको भी क्रॉस कर दें। तो अब क्या बचा? अब बचा पानी वाड़ा। अगला देखिए, कठपुतली किससे निर्मित होती है? कठपुतली किससे निर्मित होती है? कास्ट से, धातु से, कागज से या मिट्टी से? अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है और गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी, कि कठपुतली, ठीक है, पुतली होती है, ठीक है, ऐसे जो डॉल से बनी होती हैं और जिनको किससे चलाया जाता है, धागों की सहायता से जो है वो चलाया जाता है, इनको नचाया जाता है। तो ये किससे निर्मित होती हैं? आपने देखा होगा जयपुर, जोधपुर, कोटा में आपने जाकर देखा होगा, तो कठ, कठ यानी लकड़ी, तो ये किससे बनी होती है? कास्ट से बनी होती है, या फिर यहाँ पर लकड़ी आता तब भी आपका सही होता, ठीक है। अगला देखो, वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन थे? वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन थे? सूर्यमल मिश्रण, श्यामल दास, विजय दान दे था या कन्हैया लाल सेठिया? तो आंसर जो सही रहेगा वो यहाँ पर रहेगा श्यामल दास। कई बार जो है वो मैंने आपको ये चीज़ बताई है, महाणा कुंभा जो है उनके समय में कहा कि कुंभा ने जो है 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, ठीक है, तो ये कौन कहते हैं? ये श्यामल दास ही कहते हैं, जो इनका ग्रंथ है, इनकी पुस्तक है वीर विनोद में। गढ़वीटली दुर्ग है, गढ़वीटली दुर्ग है बूंदी, अजमेर, आमेर या जोधपुर? तो ये जो दुर्ग है गढ़वीटली, ये कहाँ पर है? बूंदी में है, अजमेर में है, आमेर में है या जोधपुर में है?
तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो आपकी बुक से ही लिए गए हैं। तो आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सबने ही सही किया है, अजमेर में है। ठीक है, गढ़बीटली दुर्ग कहाँ है? अजमेर में है। चुंपा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? चुंपा नामक आभूषण जो है वह है कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन देखो, दांत, कमर, कान या गर्दन, फटाफट से बताइए। एक होता है चुंपा, ठीक है, और दूसरा होता है चौंप। तो यहाँ मैंने पूछा है कि चुंपा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, ठीक है, या फिर चुंप भी कहा जाता है इसको। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा दांत। दांत में पहना जाता है चुंपा नामक आभूषण, ठीक है। और अगर चोंप के बारे में पूछ ले तो आपको बताना है कि नाक में पहना जाने वाला आभूषण है। तो जरा सा ही अंतर है। इतिहास प्रसिद्ध शिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? इतिहास प्रसिद्ध शिवाना दुर्ग किस जिले में है? चित्तौड़, बाड़मेर, भरतपुर या जैसलमेर? तो जो भी सेकंड ग्रेड के बच्चे हैं तो कृपया करके एक भी प्रश्न गलत ना करें, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर आपका इतना अच्छे से जो है डिटेल में मैंने आपको बता दिया है, हर चीज़ समझा दी है आपको, कुछ भी गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। और थर्ड ग्रेड के जो बच्चे हैं तो उनका बिल्कुल चल ही रहा है राजस्थान का इतिहास, तो इतिहास में जितने भी राजा महाराजा हैं तो उनके बारे में, राजपूत शासकों के बारे में तो कंप्लीट हो ही गया है, एक दो चैप्टर ही बाकी हैं। आर्ट एंड कल्चर भी आपका चल रहा है। तो इतिहास प्रसिद्ध शिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? बिल्कुल मैंने आपको बताया है वहाँ पर कि बाड़मेर जिले में स्थित है, ठीक है। और फर्स्ट ग्रेड के जो बच्चे हैं तो उनका तो गलत होना भी नहीं चाहिए। जयपुर की हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? 953, 935, 861 या 856? कई बार क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं, ठीक है, और जब वो चीज़ों को डिटेल में याद नहीं करते हैं तो यहाँ पर भूलने की संभावना रहती है। कई बार जो है वो आप लोग ये पूछते हो कि हम जो पढ़ते हैं लेकिन हमें याद नहीं रहता है, तो याद नहीं रहता है इसकी एक ही वजह होती है कि उसको बिल्कुल डिटेल में ना पढ़ना, ठीक है। कोई अगर मैं आपको कहूँ कि 2.5-3 घंटे की जो है वो आप मूवी देखते हो, जैसे ही मूवी देखते हो बाहर निकल कर आप क्या बोलने लग जाते हो कि उसमें ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, ठीक है। आपसे कोई कुछ भी पूछ ले उस मूवी के बारे में तो आप फटाफट से बता दोगे कि हाँ ये चीज़ हुई थी उस वक्त, हर चीज़ आपको पता होगी, यहाँ तक कि जो भी कैरेक्टर होंगे उनके नाम आपको याद भी हो गए होंगे। तो ये याद क्यों नहीं रहता है? उसकी वजह क्या है कि डिटेल में ना पढ़ना, ठीक है। जब डिटेल में नहीं पढ़ा जाएगा कोई चीज़ तो वो चीज़ भूल जाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा 953 खिड़कियाँ। 14, किस शिलालेख में चौहानों को वत्सो गोत्र या वस्त गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? चीरवा का शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, ऋग ऋषि का शिलालेख या अपराजित का शिलालेख? चीरवा शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख या श्रृंग ऋषि का शिलालेख या अपराजित का शिलालेख? तो ऐसा कोई शिलालेख तो आपने सुना ही नहीं है, श्रृंग ऋषि का शिलालेख, है ना। आपने दो सबसे ज्यादा सुने हैं चौहानों के बारे में, चीरवा शिलालेख और बिजोलिया शिलालेख। तो बस फटाफट से आप बताओ चीरवा शिलालेख है या बिजोलिया शिलालेख है। अगर आपने 10th क्लास की जो बुक पढ़ी है राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर की, तो उसमें आप देखना ये लाइन जो है वो आपको वहीं से मिल जाएगी। तो इसी तरीके से जो है वो पढ़ाई करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन 14, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? बिजोलिया शिलालेख। नेक्स्ट देखें, तिमड़िया पहना जाता है, तिमड़िया पहना जाता है पुरुषों द्वारा बाजू पर, महिलाओं द्वारा गले पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर, ललाट मतलब माथे पर, पुरुषों द्वारा हाथ पर। फटाफट से बताइए, तिमड़िया जो है वो पहना जाता है, कौन पहनता है इसको और कहाँ पर पहना जाता है? तो क्या रहेगा इसका सही आंसर? फटाफट से बताते चलो। तो
बिल्कुल यहाँ पर जो सही आंसर यही है कि महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है तिमड़ियाँ। ठीक है, ध्यान रखना। करवा चौथ कब मनाया जाता है? करवा चौथ कब मनाया जाता है, किस माह में मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? फटाफट से आंसर दें। चैत्र माह में मनाते हैं, कार्तिक में मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ चैत्र और कार्तिक दो ही ऑप्शन हैं। चैत्र कृष्ण एकम, चैत्र कार्तिक पूर्णिमा, चैत्र कृष्ण द्वितीय या कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। तो अगर आप देखते हैं कि चौथ चौथ जो है यानी कि चतुर्थी के दिन मनाएंगे, तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। ठीक है, और करवा चौथ जो है अगर याद भी ना रहे तो इतना तो याद रहेगा, एक तो आपको चौथ याद रहेगी तो आप लिख लें बिल्कुल कि चतुर्थी है। ठीक है, और अंधेरे के टाइम जो है वो चांद को अर्घ दिया जाता है। ठीक है, सभी महिलाएं देती हैं, लड़कों को भी ये चीज़ पता होती है। तो अंधेरी रात है यानी कृष्ण। अब कृष्ण चतुर्थी, ये दो चीज़ें तो आपको ऑप्शन में मिल ही जाएंगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कार्तिक। क्वेश्चन देखिए, अभिलेख जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है, तो वह कौन सा अभिलेख है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, राज प्रशस्ति या जगन्नाथ राय प्रशस्ति? तो बताइए इसका आंसर जो है वो क्या रहेगा। अभिलेख जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, राज प्रशस्ति या जगन्नाथ राय प्रशस्ति? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये अभिलेख जो है ये महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दाबू प्रिंट, गांव अकोला, गांव मोलेला, प्रतापगढ़ या हरजी गांव? फटाफट से आंसर दें। दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, क्वेश्चन नंबर 19 डालकर लिखें। देखिए सबके कमेंट में पढ़ती हूँ, आप सभी जानते हो, सभी को रिप्लाई मिलता है जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग आंसर जो है वो दिया करें, इसमें कंजूसी ना करें, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए ही बनाए गए हैं। और अगर आप क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर जो है वो बहुत ही मज़े लेकर, इंटरेस्ट लेकर जो है इनके आंसर देंगे, हो सकता है आपके आ जाए एग्ज़ाम में, तब आपको लगेगा हाँ मैंने तो क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो वहाँ मुझे आंसर पता था तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी पता था तो मैम ने आपको बताया था। इसका आंसर रहेगा गांव अकोला, दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, वहीं गांव मोलेला जो कि कहाँ है, राजसमंद में है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताना है आपको। ठीक है, ये समझिए, ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया है, और सभी बच्चे बताएंगे कि गांव मोलेला राजसमंद में किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला देखें, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? 6, 8, 5 या 4? महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है संगीत राज, संगीत मीमांसा। ठीक है, तो संगीत राज जो है वह कितने कोशों में विभक्त है बताओ जल्दी से। 6 कोशों में विभक्त है, 8 में, 5 में या 4 में? तो इसका आंसर तो देखिए सभी का सही नहीं है। हाँ अब जो है वो सही आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो आंसर रहेगा 5, अगर आप भूल भी जाओ तो याद रखना कि संगीत राज के बारे में पूछा है। यहाँ पर देखिए कितने अक्षर हैं, 5 हैं। ठीक है, तो अगर आप भूल जाएं 5, 6, 4 क्या हमने पढ़ा था याद नहीं आ रहा है, तो आप इनको जो है वो सोच कर देखें, 5 अक्षर हैं तो 5 कोशों में विभक्त है। तो आज हमने 20 प्रश्न किए हैं आर्ट एंड कल्चर के, और नेक्स्ट वीडियो में जो मैं टेस्ट लेकर आऊंगी वो भी आर्ट एंड कल्चर से ही संबंधित होगा। ठीक है, तो बताइएगा 20 में से कितने क्वेश्चन जो हैं आपने सही किए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।